और यहाँ दोस्तों ये देखिए हस्बैंड जी सब्जी लेकर आए हैं, पालक, हरी मिर्च, अदरक, और ये देखिए सबसे पसंदीदा चीज, हर औरत को, हर लेडीज को ये सब चीजें पसंद होती है, तो ये इमली है दोस्तों, कच्ची इमली, ये देखिए। और मेरे हस्बैंड जी ने लेकर आए हैं मेरे लिए, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और यहाँ मूली है, और देखिए खूब सारा मटर लेकर आए हैं, और इस मटर को हम सुबह छौंकेंगे छील करके, तो हो सकता है आप लोगों के लिए भी शेयर करें हरा मटर का दाना, जो इस सीजन में बहुत ही अच्छा लगता है। और गोभी है, ये देखिए गोभी ताजी ताजी, टमाटर है, और यहाँ देखिए आलू है, तो ये सब सब्जियाँ लेकर आए हैं दोस्तों। और किस किस को इमली देख करके उसके मुंह में पानी आ गया, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो देख लीजिए इमली, और इमली देखकर मुंह में तो पानी आ ही जाता है ना दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद मैं सब्जी लगाने चली आई, ये देखिए आलू लगा रही हूँ स्टैंड में, और हरी सब्जियाँ हैं जो वो मैं ऐसे ही रख दूँगी, और आलू मैं लगा लेती हूँ, इसमें मैं आलू रख। तो दोस्तों देखिए अभी हमारा दीपांश मैगी बना रहा है ना दीपांश? हाँ। हाय कर दो सब लोगों से। तो दोस्तों आज साग बना था ना, तो इसको नहीं पसंद है साग, तो बोल रहा था मम्मी मैं मैगी बनाकर खाऊंगा, जल रहा है सब डालो। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा मैगी बनाता है, और खुद बोल रहा था कि मैं खुद बनाऊंगा और खुद खाऊंगा, तो अरे हाँ दो। तो देखिए अभी ये पानी डालने वाला है इसमें, तो देखिए इसने पानी डाल दिया है, अब इसमें मैगी डालेगा, और बिल्कुल से सादा सिंपल सा बना रहा है दोस्तों, इसमें बिल्कुल मसाला प्याज ये सब सब्जियां ये सब नहीं डाला है, बस थोड़ा सा प्याज और क्या बोलते हैं हरी मिर्च डाला है, बस वही है। तो सब लोगों को बुलाओगे खाने के लिए कि अकेले ही खा लोगे? अकेले अकेले खाएगा, देख कर इधर बोलो ना इधर देख कर बोल दो। तो देखो मामा मौसी मांग रहे हैं तुमसे खाने के लिए दीपांश, तो खाने के लिए नहीं देगा आप लोगों को दोस्तों, ये देख लीजिए खाने के लिए नहीं दोगे? दूंगा क्यों नहीं, तो थोड़ा सा है इसलिए नहीं दोगे है ना? नहीं, और फिर बना दूंगा ना, और फिर बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों बने रहिएगा आप लोग, और आप लोगों को बताइएगा कैसा लग रहा है दीपांश का मैगी बनाना। और मेरे बच्चे ना क्या बोलते हैं मैगी बना लेते हैं, चाय बना लेते हैं, और कुछ भी मतलब क्या बोलते हैं सैंडविच बना लेते हैं, पास्ता बना लेते हैं, ये सब चीज़ें मेरे बच्चे खुद बनाकर खा लेते हैं और मुझे भी खिलाते हैं। और मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि अपने बच्चों का भी काम दिखाऊं, और मैं अपने बच्चों से थोड़ा बहुत काम करवाती हूं दोस्तों, क्योंकि इन लोगों को भी बाहर भेजना है तो थोड़ा बहुत तो काम करना चाहिए बच्चों को। और मेरा शिवा भी सब चीज़ बना लेता है, और मैं बहुत हैप्पी हूं कि जहां मैं भेजी हूं शिवा को तो खाना बिल्कुल से बना कर खा लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। और शुरू में भी वो खाना घर पर भी बना देता था, कभी जब हमारी तबीयत खराब होती थी तो खाना बना देता था। तो बच्चों को भी हमें थोड़ा बहुत सिखाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि लड़के हैं तो क्या हुआ, लेकिन लड़कों को भी कुछ काम कराना सिखाना चाहिए ताकि बाहर जाए तो बहुत मतलब दिक्कत ना हो इनको, तो वही वजह है दोस्तों। और यहाँ देखिए हमने साग बनाकर रखा है, और दीपांश साग नहीं पसंद है तो वही मैगी खाएगा, और रोटी खा, तो दाल चावल के साथ पसंद है साग है ना, तो बोल रहा है दाल चावल के साथ साग पसंद है, तो सुबह दाल बनाऊंगी फिर खा लेना। तो चलिए दोस्तों बाय कर दो सबसे, एक मिनट। अभी देखिए मैगी में मसाले पड़ रहे हैं, और बोल रहा था सिंपल सा बनाऊंगा।
बाय बोलो, हम खत्म करें वीडियो। बाय बाय। और मेरे लिए कुछ बोल दो। बहुत अच्छा कॉमेडी करता है दोस्तों, बहुत अच्छा कॉमेडी करता है। एक बार बोल दो मेरे लिए। आज नहीं, आज नहीं बोलेगा, पेट में अभी नहीं है ना कुछ, इस वजह से। तो ये देखिए दोस्तों, दीपांश ने मैगी बनाया है और थोड़ा सा ग्रेवी वाला बनाया है, है ना दीपांश? हाँ। और दोस्तों ये नेक्स्ट दिन का क्लिप है। सुबह मैंने दाना छौंका था, ये देखिए हरा मटर का दाना, इसमें आलू भी छोड़ा है, और ये चाय के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बस सिंपल सा हरी मिर्च डाल करके छौंक दिया है, और कुछ भी नहीं है इसमें, और नमक है, और ये देखिए कढ़ाई। दोस्तों नमस्ते। तो अभी मैं बैठी हूँ और आप लोगों से थोड़ी सी बातें करूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोगों को, और ये वीडियो अभी मैं पोस्ट कर दूँगी। ये वीडियो आप लोगों को 8-9 बजे तक मिल जाएगा, क्योंकि आज दिन है बुधवार, और सभी भाई बहनों को है मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी आप सबके जीवन में ढेरों खुशियां लाए, और कल मकर संक्रांति है दोस्तों। और ये वीडियो मैं कल डालती, लेकिन कुछ वजह है जो मैं इतने टाइम ही डाल दूंगी, और नहीं तो आप लोग बोलोगे कि ये चापलूसी वाली वीडियो है, तो ऐसी चापलूसी वाली वीडियो नहीं है दोस्तों। और ये वीडियो मैं इसलिए पहले डालूंगी क्योंकि कल संगीता वीडियो डालेगी, तो उसके वीडियो में आप लोग पहले ही सुन लेंगे, तो मैं जब बाद में डालती तो आप लोग बोलते कि चापलूसी उनका वीडियो देखकर बना रही हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। इस वजह से मैं पहले ही डाल दे रही हूँ, क्योंकि अभी अभी हमारी बात हुई है संगीता जी से, और उन्होंने स्क्रीनशॉट लेकर हमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं, तो उसी टॉपिक पे मैं चलिए बात करते हैं, घुमाते फिराते नहीं हैं। तो दोस्तों बात क्या है, एक लेडीज हैं दिव्या पाठक जी उनका नाम है, तो वो मैडम आज एक हफ्ते से सिस्टर को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, और न्यू वीडियो पे तो कमेंट करती ही हैं, और उसके बाद वो पुराने वीडियो पर जा करके कमेंट करती हैं, और उल्टे सीधे उनको भला बुरा, मतलब बहुत ही बेहुना बात बोल कर आती हैं दोस्तों। तो इस वजह से सिस्टर बहुत परेशान हैं, तोहफा नहीं लेते हैं, गिफ्ट नहीं लेते हैं, और जब लेती हूँ तो इस तरीके के लोग आ जाते हैं और परेशान करते हैं, तो आप ही बताओ मैं क्या करूँ। तो वही है दोस्तों कि कुछ लोग नहीं चाहते हैं और कुछ लोग चाहते हैं संगीता को, तो जो नहीं चाहते हैं उन लोगों को मैं यही कहूँगी, देखिए आप लोगों को अगर अच्छा नहीं लगता है संगीता का वीडियो तो प्लीज़ आप लोग मत देखा करिए, लेकिन जो लोग मेरे बहन को सपोर्ट कर रहे हैं मैं उन्हें दिल से शुक्रिया कहूँगी। और चाहे क्या करे, अगर नहीं लेती है गिफ्ट तो आप लोग बोलते हो कि जो देता है उसे लेना चाहिए, नहीं ठुकराना चाहिए, और बहुत से भाई बहन बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं तब जाकर वो कोई सामान ले लेती है, और जब सामान लेती है तो उस वो दिखाती जरूर है वीडियो में, तो अगर दिखाती है तो कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बुरा लगता है, तो उसी पर उसे बैड कमेंट भी आ जाते हैं, और जो दिल के साफ सुथरे इंसान होते हैं उन्हें बैड कमेंट बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं दोस्तों, इस वजह से लग जाती है और बहुत ही बुरा लगता है दोस्तों। आप लोग बोलते हैं कि 100 अच्छे कमेंट आते हैं और एक बुरा कमेंट आता है तो उस पर ध्यान मत दो, लेकिन क्या करें दोस्तों, जब बुरा कमेंट आ जाता है तो उस पर ही ध्यान भटक जाता है और पता नहीं अजीब से लगने लगता है, तो वही हाल संगीता का भी है। और ये मैडम एक हफ्ते से मेरी बहन को परेशान कर रहे हैं, और पुराने वीडियो में जब स्क्रीनशॉट में लगा दूंगी यहाँ ऊपर, आप लोग देख लीजिएगा, 2-4 ही कमेंट हम दिखा रहे हैं, और जो भद्दा कमेंट है वो मैं नहीं दिखाऊंगी, उसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि YouTube भी नहीं चाहता कि इस टाइप की वीडियो कोई बनाए भद्दा कमेंट, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो दिव्या मैडम मैं आप लोग आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि देखो एक गरीब को इतना परेशान बिल्कुल भी मत करो, और कुछ भाई बहन जो उसे प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जो उसका थोड़ा सा दुख तकलीफ में उसका मदद करते हैं, तो आपको इतना बुरा क्यों लगता है? आप भी तो एक औरत हो, और एक औरत को समझो। और रही बात काम करने की, उसके हस्बैंड तो उसके हस्बैंड बहुत दिनों बाद आए हैं, बहुत सालों बाद आए हैं दोस्तों, बहुत मतलब अभी शहर में ही थे,
और उनके हस्बैंड पीओपी का काम करते हैं, जो बहुत दिनों बाद आए हैं अपने घर पर अपने बाल बच्चों में। अभी दो महीने हुए होंगे दोस्तों, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं घर पर आए हुए। और इतने में वो मैडम बोलती हैं कि पति को घर में बैठा करके प्याज टमाटर मिर्ची ये सब कटवाओ, काम करने की क्या ज़रूरत है। तो मैडम आप गलत हैं, उनके हस्बैंड बाहर रहते हैं और बाहर जाते हैं तब कमाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि घर पर ही रहते हैं। लेकिन अभी जब वो घर पर हैं तब भी वो थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, जैसे गांव में जो काम निकलता है वो काम वो कर लेते हैं। तो वही है, थोड़ा बहुत तो घर में अपने बच्चों के लिए समय निकालना पड़ता है। तो बस वही है, हर इंसान अपने बच्चों के साथ अपने परिवार अपने बीवी के साथ रहना चाहता है। जब इतने सालों बाद आता है इंसान तो थोड़ा बहुत तो समय अपने फैमिली को देना ही चाहिए। तो वही है, जब थोड़ा बहुत मदद कर देते हैं तो मैडम को बुरा लगता है कि घर पर बिठाई हैं काम करने के लिए, नहीं भेजती हैं। तो वो बाहर रहते हैं और बाहर मतलब बाहर से ही आए हैं, बहुत दिनों बाद आए हैं और अभी ज़्यादा दिन नहीं आए हुए हैं, 2 महीने हुए होंगे मेरे हिसाब से। तो बस यही बात है, और उल्टे सीधे कमेंट करके किसी का हमें दिल नहीं दुखाना चाहिए। बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही दिल की साफ हैं संगीता सिस्टर। सच में बताऊं दोस्तों, मैं उनकी चापलूसी नहीं कर रही हूं, मैं उनकी रियल, आप समझ जाएंगे कि एक खून का रिश्ता नहीं है लेकिन दिल का रिश्ता है। तो मेरी सखी हैं, सहेली हैं, इस वजह से मैं उनका हमेशा सपोर्ट और सहयोग करती हूं और इसी वजह से मैं उनकी वीडियो बनाती हूं। और जैसे कुछ भी कोई थोड़ा बहुत काम होता है, मतलब कोई भी परेशानी आती है तो वो हमें तुरंत बताती हैं फ़ोन करके, तब मैं जाकर ये वीडियो बनाती हूं। तो बस यही बातें थी जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती थी। और अगर कोई गलती हो गई हो, कुछ बोलने में मिस्टेक हो गया हो, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।